हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2011 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड कन्वर्ट इट इन द लोअर केस इफ इट इज इन अपर केस। हमें उससे लोअर केस में कोई वर्ड हमें एक्सेप्ट करना है और अगर वो अपर केस में तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कराना होगा। एंड डिस्प्ले द न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग ओनली दोज बबल्स विद द करेक्टर फॉलोइंग इट वर्ड का कंप्यूटर। तो उसको कन्वर्ट कैसे किया? जितने भी बबल हैं, जैसे ओ की जगह पी, यू की जगह वी और ई की जगह क्या हो जाएगा, तो जितने भी बॉबल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे अगले वाले लेटर में। तो हमने इंपोर्ट हैव डिक्लेयर्ड सम वेरिएबल और मैंने कुछ वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किए। हमने इनपुट ले लिया भाई, नेक्स्ट लाइन से वो वर्ड यहां पर आ गया। अगर आपको यहां पर मैं थोड़ा सा एनोटेट करके अगर इसे बताऊं, एस की जो वैल्यू होगी ना, आई एम टॉकिंग हियर, तो एस की वैल्यू क्या होगी? कंप्यूटर ने करेक्टर होंगे 8, एक लूप चला दिया 0 से लेकर। तो यहां पे लेस देन इक्वल नहीं लगाते हैं, लेस देन, क्योंकि जब कोई चीज 0 से स्टार्ट होगी तो लास्ट वाला एक तो कम होगा। तो यहां पर अब हमने क्या किया, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बस ये है कि हमने कैरेट 0 इंडेक्स का करेक्टर निकाला और बस उसे चेक किया क्या वो ए ई आई ओ यू में से कोई भी करेक्टर है। अगर है तो भाई साहब जो भी करेक्टर यहां पर होगा उससे अगला वाला करेक्टर यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या कर दिया आप देखिए, खुद देखिए, प्लस प्लस सी एच, प्लस प्लस सी एच, यानी कि यहां पर हमारा ओल्ड करेक्टर है और यहां पर हमारा कौन सा करेक्टर होगा बेटा, न्यू करेक्टर। ये सारी कहानी इसमें चलेगी। फाइनली एक एक करेक्टर को निकालता जाएगा, जो बॉबल होगा उसका अगला करेक्टर यहां पर प्रिंट हो जाएगा। मतलब प्लस प्लस सी एस से तो अगले वाले पर आ जाएगा ना, वो जैसे ओ निकला होगा तो ओ के बाद पी, यू के बाद वी और ई के बाद एफ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हाउ वी कन्वर्ट इन द लोअर केस, हाउ वी फाइंड आउट द लेंथ। यहां पर एक एक करेक्टर को निकालते चले गए और यहां पर हमने उसे बस चेक कर लिया है कि कहीं वो बॉबल तो नहीं है। ये मेरा रिप्लेस नाम का मेथड है, दिस इज द ओल्ड करेक्टर और दिस इज द न्यू वन। और फाइनली हमने यहां पर उस पूरी स्ट्रिंग को क्या करा दिया भैया, प्रिंट करा दिया है। सो आई थिंक सुपर इजी प्रोग्राम। इसमें ध्यान ही बस इतना रखना है कि अगला वाला करेक्टर आएगा कैसे। अगला प्रोग्राम देखते हैं एक बार। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन कॉम्पियर। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग आती है, जहां पर फंक्शन का नाम सेम हो और उसके सिग्नेचर अलग हो। और उसके क्या अलग हो बेटा, सिग्नेचर। तो जैसे कॉम्पियर नाम का एक मेथड है, इसमें 2 इंटीजर की वैल्यू लेंगे। ये भी हमारा कॉम्पियर नाम का मेथड है, इसमें 2 करेक्टर की वैल्यू लेंगे। So, इस वाले प्रोग्राम में चीजें मतलब बहुत सरल है, सिंपल। हमें 3 मेथड बनाने। तो देखो, क्लास बनाई ओवरलोड, ये मेरा कॉम्पेयर नाम का मेथड है। इन दैट वी आर टेकिंग 2 इंटीजर की वैल्यू। अब देखो, अगर ए बड़ा है बी से, ये टर्नरी ऑपरेटर है बेटा। कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी। अगर ए बड़ा है बी से तो ए हमारा लार्ज में आ जाएगा, अदरवाइज भी लार्ज में आ जाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर तो आपने सुना होगा ना, अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो ए इसमें आएगा, और अगर यह कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू पर तो ये है भाई और फॉल्स पर ये है, ये हमेशा बुलियन कंडीशन होगी। ऐसे ही करेक्टर में सेम, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए इसमें आ जाएगा, अदरवाइज बी इसमें आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा शायद।
ऐसे ही तीसरा है, ऐसे ही ये तीसरा है। ये स्ट्रिंग टाइप के दो पैरामीटर हैं। यहां पर बस मैं ये बताना चाहूंगा, अगर ए की लेंथ बड़ी है, अगर ए की लेंथ बड़ी है बी से, अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये ब्रैकेट तो इस मेथड का है, जो यहां से जो ब्रैकेट शुरू हुआ है बेटा वो यहां पर आके खत्म हो गया, तो ए की वैल्यू हमारी किस में आ गई, लार्ज में, अदरवाइज फिर बी आ जाएगा। तो मेरी समझ में इस प्रोग्राम के अंदर प्रॉपरली मेरी समझ में फंक्शन ओवरलोडिंग आपको सिखाई जा रही है भाई। क्या सिखाया जा रहा होगा आपको? फंक्शन ओवरलोडिंग। तीन मेथड बनाए, मेथड का नाम सेम है और उनके क्या अलग है भैया, सिग्नेचर, जो बड़ा है उसको हमने प्रिंट कराया है। आज का मैं आपको लास्ट प्रोग्राम पढ़ाऊंगा, ये आई एम गोइंग टू टीच यू दी लास्ट प्रोग्राम, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट। एक तो ये सीरीज प्रिंट करानी है भाई, दिस वन, एक सिंपल एक सीरीज प्रिंट कराने, 0 3। अब ये 7 नहीं है भाई, यहां पर 8 होना चाहिए मेरी समझ। एक लॉजिक आपको मैं अभी बताऊंगा, यहां 8 होना चाहिए मेरी समझ। अब आपको 8 क्यों बोल रहा हूं वो बता रहा हूं आपको मैं। एक्चुअली जो नंबर होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा -1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -1, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 -1, तो ये मेरी समझ में सरल होगा। टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, ये तो बहुत ही सरल है, आई की वैल्यू 1 कर लूंगा, नीचे आई प्लस 1 करना है बस। अगर आई की वैल्यू 19 है ऊपर, तो नीचे का क्या हो जाएगा, 20 हो। मैं इसे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक पैकेज इंपोर्ट किया जावा का, यूटिल क्लास बन गई, दिस इज द मेन स्कैनर क्लास का, 1 डालोगे तो ये वाली सीरीज प्रिंट होगी और 2 डालोगे तो ये वाली हो जाएगी। तो आप अपनी चॉइस डालो, तो लेट अस अज्यूम हमने इस चॉइस में 1 डाल दिया। अभी हमने इस चॉइस में वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो यहां पर हम n की वैल्यू ले लेंगे भाई, यहां पर लिख लिया कि एंड कहां करोगे, एंटर द वैल्यू ऑफ n, वो n की वैल्यू नेक्स्ट एंड से आ गई और देखो 1 से एक लूप चला दिया 1 to n। बिलीव मी ये इतना सरल है कि i का स्क्वायर निकाला है और -1 की, दैट्स इट। यहां पर ये -1, i का स्क्वायर और -1, ये केस 2 है। अगर कोई केस 2 डालता तो 1 से 19 तक चलाया, नीचे 20 तो अपने आप आ ही जाएगा, i प्लस 1 कर रहे हैं ना, जब 1 है तो नीचे 2 है, 3 है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, देखिए अब यहां पर एक ट्विस्ट है कि 1 के बाद यहां पर 3 आ रहा है, 3 के बाद फिर 5 आ रहा है, तो यहां पर फिर ये i इज इक्वल टू i प्लस 2 होना चाहिए ना, i इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, i प्लस 2। ये एक फॉल्ट था इसके अंदर, राइट। आपको अब ये बात समझ में आ गई, जैसे 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 6, अरे भाई 1 के बाद 3 आ रहा है ना, 3 के बाद 5 आ रहा है ना, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो यहां पर हमें I इज इक्वल टू आई प्लस 2 करना पड़ेगा भाई, और इसका मतलब आप जानते होंगे, प्लस इक्वल टू जहां पर लगा देते हैं इसका मतलब क्या होता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस, और उसके बाद फिर वो स्टोरी आप लिख दीजिए भाई।
चाहो तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, आई डिवाइड बाई और आई प्लस वन, आई प्लस वन। आई होप इस पूरे प्रोग्राम में आपको यह ध्यान रखना है, एक तो सीरीज ऊपर वाली है, इट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग कि जो भी नंबर है उसका स्क्वायर और माइनस वन, और एक काम को करने के बहुत सारे तरीके इसमें मेरी समझ में हो सकते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था बट यू राइट, डोंट वरी। सो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल से फिर एक नई ईयर का पेपर मैं सॉल्व करूंगा।